माए नहीं मेरी, ये शिमले की राह है और शिमले की राह हमने पकड़ ली है, मैं यानी यशव और सारे हम दोनों आ चुके हैं चंडीगढ़ से शिमला। अभी ये हमारा जो नया चैनल है ये फैक्ट एक्सप्लोर, और इसमें हम एक्सप्लोरेशन पे जाएंगे। अभी हमने शुरुआत हिमाचल से की है, शिमले से चंडीगढ़ या मतलब हाँ वही वही। और अभी हम हैं मॉल रोड में, हम अभी जस्ट लिफ्ट से ऊपर चढ़े हैं और मॉल रोड थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, और आगे हम ये नॉर्मल शिमला नहीं मतलब डिस्ट्रिक्ट शिमला में हम घूमेंगे। और हम उसके बारे में तो हमने सुना है, लेकिन वो सुनी हुई जो कहते हैं ना काम नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों देखी देखी करना चाहिए, उसको सच करके दिखाएंगे कि यार जितना सुना है उससे ज़्यादा खूबसूरत होता है। और अपनी सांस सुनने लगे और शिमला की हम आपको अनएक्सप्लोर्ड जगहें दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि आज जो नॉर्मल मॉल रोड है रिज है वो तो चलो अब आज हम कवर कर लेंगे, मगर कल हम जाएंगे ऐसी जगह मतलब ऐसी वैलीज हम दिखाएंगे जो मतलब कोई दिखाता नहीं है नॉर्मली, और वो आपको कल ही बताएंगे। तो अभी हम लोग करते हैं थोड़ा मॉल रोड एक्सप्लोर। लिफ्ट आ गया है और इधर एक बहुत ही पुराना और फेमस ढाबा है शेर ए पंजाब, तो वो आपको थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो अभी इतनी लंबी चढ़ाई चढ़ने के बाद, जहाँ मैंने आपको रास्ते में बताया कि मेरी तो सांस बिल्कुल फूल चुकी थी, अभी हम एक टॉप ऑफ द पहाड़ पर पहुँच चुके हैं। फाइनली लग रहा है कि किले फतेह करने होता है ना वही। तो अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं शिमला के माल रोड के रिज पर। मेरे एकदम पीछे अभी चर्च है, इस तरफ मेरे फाउंटेन है, और मेरे बिल्कुल सामने अगर आप देख सके तो मेरे बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा फ्लैग है, हमारे भारत की पहचान है। उसमें तीन कलर जो सेफ्रॉन व्हाइट और ग्रीन और ब्लू कलर का इसमें अशोका चक्र होता है, वो पीस को भी दर्शाता है, हिम्मत को भी दर्शाता है, और बहुत सारी पावर को भी दर्शाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे भारत की बहुत मान है। और कुछ ऐसी जगहें हैं जो हिस्टोरिकल भी और बहुत खूबसूरत है, वो तो आपको आगे रास्ते में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सोच रहे हैं कि यार घूमने आए हैं, आप लोगों के लिए कुछ कवर करने आए हैं, तो मस्ती मजाक के बिना कैसे कुछ बुरा हो सकता है। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से, हम कुछ लोगों को भी ढूंढेंगे और कहते हैं कि झपट्टा ही कर देंगे, बिल्कुल धप्पा मार देते ना वो, क्योंकि धप्पा में असल में क्या होता है कि लोग नहीं चाहते उनको कोई पकड़ ले, हो सकता है ये लोग भी ऐसे ही हो। वो तो अभी उनसे मिलने के बाद पता चलेगा कि कौन मिलेगा और कैसे लोग मिलेंगे। जब तक आप हमारे साथ साथ उनको ढूंढने में मदद कीजिए, आ जाइए। वेलकम बैक गाइज, अभी हम माल रोड पे थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, हमारे बिल्कुल सामने चर्च है और उस चर्च के नीचे कुछ लोग हैं, और सोचा क्यों ना कि जो हम दोनों का ये शो था अब तक उसको और लोगों को बना दिया जाए, ताकि वो लोग भी और रिलेट कर सके और आप भी और रिलेट कर सके, क्योंकि वी ऑल अबाउट ऑल पीपल राइट। तो अभी आइए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ खास ही हमारे शो में जोड़ सकते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सीमा। क्या करते हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ हो तो टफ नहीं होता ये सब हैंडल करना? नो,
बिल्कुल नहीं। तो चलो ठीक है, आप देख लेते कि एक घर का इतना सारा काम काज करना ज़्यादा टफ होता है या फिर जो हम आपको बोलने के लिए कहेंगे वो ज़्यादा टफ होता है। तो आपको एक टंग ट्विस्टर बोलना है, ऊँट ऊँचा, ऊँची पीठ ऊँट की, ऊँची पूँछ ऊँट की, ये आपको दो बार बैक टू बैक बोलना है। नहीं ट्राई कर लो, ठीक है आप करोगे? ठीक है बोल गए। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चिताई। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चिताई। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चिताई। चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चिताई। कौन सी क्लास में हो यार? फिफ्थ। और इतना बड़ा टंग ट्विस्टर कहाँ से सीख लिया आपने फिफ्थ क्लास? डेली प्रैक्टिस करती रहती है अपने दोस्तों के साथ। ये आपकी बेटी है? देखते कि बेटी में तो भर भर के टैलेंट है, मम्मी इस टैलेंट को कितने आगे तक ले जा सकती है? नहीं मैं जो बोलूंगी आप बोलिएगा। ठीक है ट्राई कर लेते। चलो काला चीड़ा ले चम्मच क्यों, तेरी जीव ले चम्मच कलमिच क्यों, जे तू मारे जलमा डुबकी दबड़ी चले चम्मच कलमिच क्यों। मैम कौन से देश की भाषा है ये? पंजाबी है। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जो जो आपको काले चीड़े की कहानी होती है, पंजाब का टैलेंट है कि बड़ी बड़ी कहानी को एक छोटे से टंग ट्विस्टर में लपेट। कहाँ से सीखी आपने? अपने पापा से, वो इससे भी अच्छा बोलते हैं। तो एक बार और बोल दी। काला चीड़ा ले चामच क्यों, तेरी जीभ ले चामच करमिच क्यों, जे तू मारे जलमा डुबकी दबड़ी चला चमिच करमिच क्यों। मैडम के एक्सप्रेशन देख रहे थे आप। मैम क्या करता है? क्वीन ऑफ द हाउस, हाउस मेकर की, मतलब इनके बिना तो घर में कुछ है ही नहीं, राइट? आपका नाम क्या? माय नेम इज कुसुम वर्मा। I am working in Sentinel International School, Samrala, and these days I am on summer vacation at Shimla. I have also one tongue twister. Can you speak? Oont ucha, oont ki peet uchi, uchi peet oont ki. Oont ucha, oont ki peet uchi, uchi peet oont ki. Ab ma'am, ye aapko 5 baar back to back bolna. Okay. Oont ucha, oont ki peet uchi, uchi peet oont ki. Oont ucha, oont ki peet uchi, uchi peet oont ki. ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊंट की। अरे वाह, मतलब कि पूरा ग्रुप भर भर के टैलेंटेड है, राइट? खन्ना खन्ना से हम लोग, खन्ना छा गया। एक बार हिप पे पूरा कर दीजिए। अच्छा अभी मैम ने मेरी कोहोस्ट को तंग किया थोड़ा पंजाबी सा टंग ट्विस्टर देके, अब मैं इन्हें देता हूँ एक पहाड़ी सा, तो ढंग से सुनना। आर्चलाका पार्चलाका बीच नोइदा जाम टुपाका। आर्चलाका पार्चलाका बीच नोइगा पाटुआ। आर्चलाका पार्चलाका बीच होएगा। दोनों ने गलत बोला बट कोई बात नहीं। और मैम आप लास्ट में थोड़ा सा फर्स्ट टाइम मैच चलता। हां आर्चलाका पार्चलाका बीच नोइदा जाम टुपाका। आर्चलाका पार्चलाका बीच जोएदा अगर बोल के बताओ आप। जाम टुपाका। जाम टुपाका। ओके तो ये था पहाड़ी सा टंग ट्विस्टर। और मैम ने बताया कि बिग बॉस के बड़े फैन है मैम। हाँ बिग बॉस में जो रुबीना दिल ने थी ना वो पहाड़ी सॉन्ग गाती, मैंने इनको बोला कि आपको अगर आता आप सुनाई हमें अच्छा लगता। पहाड़ी सॉन्ग मैम मैं एक्चुअली बिग बॉस नहीं देखता ना तो मुझे पता नहीं है कौन। अच्छा माहे नी मेरी ए शिमले दी राहे चंबा कितनी कदूर है। मैंने तो देखो पहाड़ी गा लिया, अब आप गाओ कोई गाना। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। राम सीता राम भज प्यारे तू सीता राम। इसमें ना एक बना हुआ है रघुपति राघव राजा राम, मैं सपति देना भगवान, सुबह को जो चाय भी बनाए, चाय बनाए मुझको उठाए, और चाय मुझको पिलाए मेरे राम, ऐसा पति देना भगवान। अच्छा पति देव आपके शायद यहीं कहीं हैं तो है क्या वो
ऐसे आपकी विश वाले पति है कि नहीं है? हाँ ऐसे ही है। अच्छा, चाय वगैरह सब कुछ बना के देते हैं? हाँ, कल मैं घर से आ गई तो पीछे से सारा उन्होंने किया। मेरे नहीं है, मेरे को बना के पिलानी पड़ती है उनको। चलिए कोई बात नहीं मैम, अब तो फंस गए। तो लगता नहीं आपको देख गए। चलिए आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आप भी शिमला एंजॉय करती है, हम भी शिमला एंजॉय कर लेते हैं। ये हसी वादियाँ, ये खुला आसमां, ये गाना आजकल मेरा फेवरेट हो गया, क्योंकि यार इतनी हसी वादियों में और इतने खुले आसमान के नीचे कभी इतना रहने को मिलता नहीं है मुझे। हमारी डेली लाइफ का जो शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा बिजी होता है, लेकिन जब हमें मौका मिले किसी ऐसी खूबसूरत जगह आने का तो क्यों खोया जाए, है ना। तो हमने सोचा कि शिमला से जब हम एग्जिट कर रहे थे तो हम ना कोटगढ़ जाने का हमारा प्लान था, लेकिन रास्ते में हमें पता चला कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी वैली जिसको हम हसन वैली के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो हरे हरे पेड़ और बड़े बड़े पहाड़ है उसका कॉम्बिनेशन किसी लिटिल कॉम्बिनेशन से कम नहीं है। और जितना इस जगह के बारे में सुना है वो बिल्कुल कम नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़्यादा कम कहा जाएगा, क्योंकि जितनी बड़ी ये वैली है, जितनी खूबसूरत ये वैली है, इसके बारे में इतना किसी भी वीडियोस और बुक्स या फिर किसी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में कहीं मेंशन नहीं है। बट ये जितनी खूबसूरत है ये वाकई ही काबिल तारीफ है। और ये एक टूरिस्ट स्पॉट है और ये यहाँ पे आप फोटो भी बहुत अच्छी खींच सकते हैं। आप देख सकते चारों की कितने सारे लोग यहाँ पे हैं। ये एक तरफ जहाँ बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वहाँ पर नीचे गाड़ियाँ खड़ी होती है, ऊपर जो सूरज की किरणें आ रही होती है वो बड़ी ही प्यारी लुक देती है फोटो में। और सामने इतनी गहरी गहरी वैलीज और उनपे इतने सारे पेड़, वो बहुत ही प्यारी चीज़ है। तो इस कॉम्बिनेशन को देखने के लिए और इस माहौल को महसूस करने के लिए आपको और बहुत सारी चीज़ें बताएंगे ताकि आप इसको और अच्छे से महसूस कर सकें। लेकिन अभी हमारे साथ बने रहिए, आपको हम मिलेंगे आगे कोटगढ़ में एक नए मैसेज और एक नई सुबह के साथ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ यशव और मेरे साथ है, और मैं अभी जुड़ चुकी हूँ आपके साथ अध्या। और आप देख रहे हैं फैक्ट एक्सप्लोर, और इस फैक्ट एक्सप्लोर की एक्सप्लोरेशन में जैसा कि हमने पहले अभी शिमला कवर किया है, और शिमला से अब हम आ गए हैं कोटगढ़। कोटगढ़ है नारकंडा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर, और यहाँ मतलब जो मौसम है अभी और जो सेब लगे हुए हैं, मतलब वो देख के एकदम मजा आ रहा है। क्यों? वो देख के मुझे तो बचपन की याद आ गई कि जैसे बचपन में बाग में से आम तोड़ते थे ना, तो सोच रही हूँ कि अभी इन पेड़ों पे से देखो, उधर देखो उधर, उन पेड़ों पे से ना अभी सेब तोड़ ले जाए। लेकिन फिर कहते हैं ना लालच बुरी बला है, तो लग रहा है कि सेब अभी कच्चे होंगे तो तोड़ने लायक नहीं है। क्यों यशव? बिल्कुल बिल्कुल, सेब अभी तोड़ने लायक नहीं है। और ये जो नेट्स आप देख रहे हैं ये एक्चुअली लगाए जाते हैं सेबों को ओले से बचाने के लिए। तो जब ओले आते हैं तो सेब की फसल को थोड़ा बहुत मतलब हर्ट करते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये नेट्स लगाते हैं। हर कल मैं रास्ते में आते हैं पूछ रही थी यार ये कपड़े क्यों लगा रखे, कहता कपड़े नहीं नेट है ये सेब को ओलों से बचाने के लिए। और एक्सप्लोरेशन करते करते आज हम जाएंगे तानी जुप्पड़ लेक, जो कि है नारकंडा में, मतलब नारकंडा से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पे है, और सबसे ज़्यादा फोटोजेनिक लेक उसे कहा जाता है हिमाचल की। और वहाँ पे हम जो फोटोज़ वगैरह खींचेंगे वो भी आपको अपलोड कर देंगे इंस्टा पे, और आप फॉलो कर सकते हैं हमें @CKNC और _RJ_Adhya। और अभी आपको एक चीज़ बता दें कि अगर हम पहाड़ों में आए हैं तो पहाड़ों की बात कैसे ना की जाए। ये देख लीजिए हमारे लोगों पे भी ना पहाड़ का डिज़ाइन बना हुआ है, राइट। तो इस पहाड़ के साथ साथ उस पहाड़ को देखें, क्या नजारा है ना यार यहाँ का। ये सब बिल्कुल यार नजारा बहुत ही अच्छा है, मतलब जब आप देखते हो ना कि यार कैसे कैसे पहने पहने पहाड़ है। खैर मैं तो बचपन से पहाड़ों में ही रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि आपको ज्यादा मजा आ रहा होगा ये पहाड़ देख के। ये सबसे ज्यादा मजा तो मुझे आ रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं यशव ने ना इस वक्त हाफ स्लीव्स पहनी हुई है। ये पहाड़ों की पैदाइश है क्योंकि, और मैं स्वेटर में हूँ क्योंकि मैं यूपी की पैदाइश, और मुझे तो लग रहा था कि इसमें भी ठंड लगने वाली है, और ये सब नॉर्मली तो है।
मतलब ये जब आ रही थी ना यार, इसने मुझसे पूछा था कि यार कैसा मौसम है, मैंने कहा देख ले यार, मैं तो सैंडोज में घुमा हुआ हूँ, मुझे क्या पता, बट तुझे ठंड लगेगी तो गर्म कपड़े रख लियो। और हर चीज को जो भी मुझे बोल रही ना, वाह यशव कितना सुंदर है, कहता है नॉर्मली तो है, अब बताओ यूपी वाले या फिर जो नॉन पहाड़ी लोग हैं उनको पता चलेगा कि ये नॉर्मल कितना नॉर्मल है। रायपुर की तरफ, और मिलते हैं आपसे तानी जोपर लेक में। ओके गाइस, स्टे ट्यून। वेलकम बैक गाइज, आप आ चुके हैं हमारे पास, हमारे अपने और आपके अपने चैनल फैक्ट एक्सप्लोर पर। वैसे तो अभी थोड़ी देर पहले हम मिले ही थे, पर अभी आपको बता दें कि हमारे पीछे जो ये लेक है ना, ये कौन सी लेक है? जो तानी जुब्बर लेक। और तानी जुब्बर लेक मतलब एक आर्टिफिशियल लेक है, इट्स मोर लाइक अ पॉन्ड, बट इसे लेक बोलते हैं लोग, क्योंकि यार ये माना जाता है कि ये लेक ही है, क्योंकि हिमाचल में जैसे वाटर बॉडीज काफ़ी कम है, एक रिवर ही है बस हमारी। और तानी जुब्बर में एक नाग देवता टेम्पल भी है, जहाँ पे गांव वाले अपनी प्रेयर ऑफर करते हैं सरपेंट गॉड को, हमारे नाग देवता जो है। और यहाँ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लोकेशन है, मतलब मोस्ट फोटोजेनिक लेक है ये, और फॉरेस्ट से घिरा हुआ है यार, मतलब चारों ओर पेड़ ही पेड़ है, मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये ना बिल्कुल वो है जो मैं इंस्टाग्राम पोस्ट में ऊपर लोकेशंस मेंशन किया करती थी ना, कौन सी जगह है, तो मुझे तो लग रहा है कि वो ड्रीम प्लेस जो मेरा था ना फोटो क्लिक कराने वाला, वो मुझे मिल गया। एक बार देखो यार कितना सुंदर है ये, इतने बड़े बड़े पहाड़ और उस पर इतने प्यारे प्यारे पेड़, और यहाँ पर बैठने की भी जगह आपको अभी वहाँ पे लेके जाएंगे, लेकिन अभी जहाँ पर आए हैं इस लेक पर, वहाँ चलते हैं और नाग देवता टेम्पल पर होके आते हैं। आइए। और तानी जुब्बर की मैं एक बात बताऊं, तानी जुब्बर में मैं भी काफ़ी टाइम पहले आया था और अपने दोस्तों के साथ आया था, और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ हमने क्लिक की थी, और मेरे दोस्त का उस दिन बर्थडे भी था, तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये इलाका। और अगर आप बेस्ट आना चाहते हो ना, तो मतलब सर्दियों में आओ, और आपको बर्फ़ भी मिलेगी, मतलब पानी के ऊपर बर्फ़, ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढका होगा और एकदम वाइट हो जाएगा, तो यार बर्फ़ में आने का मज़ा ही कुछ। तो कोई नहीं, बर्फ़ में फिर से आ जाएंगे, अभी एक्सप्लोर कर लेते हैं, आ जाओ आ जाओ। अच्छा मुझे लगा ये फास्ट फॉरवर्ड होगा, यार ये कितनी सुंदर है ना, तो यार बहुत ही ज्यादा सुंदर लेक है, और ये हमारे हिमाचल की खूबसूरती है, मतलब खूबसूरती है हमारे हिमाचल की, यही खूबसूरती है, क्योंकि यार इतने डेंस जंगल के बीच आपको पॉन्ड मिल रहा है, आपको टेंपल मिल रहा है, मतलब हर चीज ऑफ जगह आप ऐसी सही फोटोज आती है ना यहाँ पे, मतलब इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है। और ये जो सूरज की थोड़ी थोड़ी किरणें पड़ रही है ना अभी पेड़ों के बीच में से, ये मुझे ना एक बहुत ही ज़्यादा फोटोजेनिक स्पॉट लग रहा है, लेकिन ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम फोटो असल में क्लिक कराएंगे, क्योंकि अभी जिस रास्ते को जाना ही नहीं, वो रास्ता नापना ही क्यों। बिल्कुल बिल्कुल यार, अब जिस रास्ते नहीं जाना वो रास्ता नापना ही क्यों, और फोटोज हम क्लिक करेंगे, मुझे पता है आद्याश्री मुझे तंग कर देगी बोल बोल के, यहाँ खींच वहाँ खींच, पर मैं भी कुछ जिद्दी जैसा हूँ, मैं भी बहुत कम ही खींचूंगा और अपनी खिंचवाऊंगा भी काफ़ी कम। और अब हम पहुँच चुके हैं नाग देवता टेम्पल के पास, यहाँ पे लोग प्रेयर्स ऑफर करते हैं सरपेंट गॉड को, और वही शायद इस जगह को है वो प्रोटेक्ट करते हैं, और हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। और मुझे लगता है कि ये जगह ना हमारे लिए एकदम ब्लेसिंग की तरह है, कि लोग अपनी प्रेयर्स यहाँ स्पेशली ऑफर करने आते हैं, लेकिन हम अपना पहला व्लॉग यहाँ पे शूट करना है, तो ये चीज़ कितनी स्पेशल होगी, और ये जो विशेष हमें यहाँ से मिलेगी वो कितने आगे जाएगी, ये आपको हमारे अपकमिंग व्लॉग्स में पता ही चल जाएगा, आप लोगों की बदौलत। राइट राइट राइट। और हमने सोचा था कि यहाँ पे आके लोगों से बातचीत करेंगे, मगर हम शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा हमें, और लोगों से बात करना हमारा रह गया, तो कोई बात नहीं, आगे जाके कहीं और किसी और स्पॉट पे बात कर लेंगे लोगों से। और ये भी मुझे ना वो जो मूवीज नहीं आती थी पहले, चाइनीज मूवी जैपनीज मूवी, उसमें घर होते थे, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, ऐसे पहाड़ों पे ऐसे घर होना नॉर्मल है, बट मेरे लिए नहीं, ये शव के लिए तो नहीं। ये हमारे ट्रेडिशनल घर है, मतलब पत्थर की हमारी छत होती थी और लकड़ी का काम होता था, और लकड़ी का काम का फायदा ये है कि गर्मियों में ये ठंडक देता है और ठंडी में ये गर्मी देता है।
और ऐसे घरों में चींटियां भी बहुत कम आती है। और ये जो घर है मैंने तो उसे देख के कहा वाह, और ये सब ने कहा नॉर्मली तो है यार। यार मेरे लिए तो ऑब्वियसली नॉर्मल है। और ये नाग देवता टेम्पल हमारे सामने आ चुका है, अब इधर हम जाएंगे, थोड़ी बहुत प्रार्थना करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए ऑन फैक्ट एक्सप्लोर, और थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे किसी और नई जगह। अभी आपको यहाँ पे ना ऊपर एक सिटिंग एरिया है वो भी दिखाएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक गाइज, अभी नाग देवता टेम्पल से विशेष करके आ गए हैं, और वहाँ की विशेष कितने काम आने वाले वो तो मैं अभी आगे पता चलेगा। लेकिन आपको बता दूँ कि पहाड़ों की धूप इतनी प्यारी होती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी धूप मेरे चेहरे पर मेरे ऊपर पड़ रही है ना, बुलंद मुझे नहीं लग रहा है कि ये धूप है सही। तो अभी आपको लेके जाते हैं इको पार्क में। तो ये पार्क नाग देवता टेम्पल और झील के बिल्कुल सामने है, अगर आप इस तरफ से आते हैं तो लेफ्ट हैंड पे आपको ये पड़ेगा। और इसके सामने एक होटल भी है, इसकी पहचान ये है। वैसे तो यहाँ पे अच्छा खासा बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अगर आप आपको फिर भी थोड़ी सी भी गाइडेंस में हल्की सी प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो आइए अभी चलते हैं ऊपर की ओर, और वैसे मुझे पूरा अच्छे से रास्ता नहीं पता, बट एक्सप्लोर करते करते पहुंच जाएंगे। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम है फैक्ट्स एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर करने ही है। आओ कम पे जाना के बता। तो कैसी लगा, तो कैसी लगी जगह ये हमें आप बता देना, ताकि, और हाँ ये भी बता देना कि अगर अभी हम हिमाचल में और अगले ब्लॉग्स लाए तो आप क्या चाहते हैं कि कहाँ से हम और फैक्ट्स एक्सप्लोर करें, ताकि आपकी भी हेल्प हो। और जो हमारा नाम है फैक्ट एक्सप्लोर, उसमें तो नई नई ताजा ताजा चीजें आती रही। अभी ना गिर गई थी यार, अभी आप लोग संभल के आना। अभी ना यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी जगह मिल गई है मुझे, और हिमाचल की एक खास बात हो रहा है कि यहाँ पे सफाई बहुत होती है। ये देख लो, सफाई और सुंदरता की यहाँ कोई कमी नहीं है। सफाई के साथ साथ जो ये बनाया गया है ना, वाह भाई फोटोजेनिक भी है जगह। बैठ जाते थोड़े देर आप जब तक जगह देखो। ब्यूटीफुल, यहाँ थोड़े से ऊपर आते ही नजारे आ गए यार, एक बार देख लो आप भी। अभी यहाँ पे तो ईशान ने मेरी फोटो नहीं क्लिक की, और इसलिए मैं ना ऊपर घूम के भी आ चुकी हूँ, और इसका रीजन ये है कि हम रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गए थे, तो और दोबारा चलते हैं। और एक चीज और बता दूं कि जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, ध्यान से चलना यहाँ पे, क्योंकि रेनी सीजन में ना यहाँ पे फिसलन हो जाती है फिर से गिर गई, क्योंकि रेनी सीजन में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती है, और ये फिसलन बहुत बड़े एक्सीडेंट्स में भी बदल सकते, तो आप ध्यान रखना कि कोई डंडी ले गया है जो आपको सारा बन सके। आ जाओ यार, यार कितना सुंदर है यार ये।
सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगी कि ये स्पॉट चेक की थी। थकने के बाद अगर बैठने के लिए कुछ मिल जाए ना, तो वो भगवान के फरिश्ते जैसे इंसान होते हैं, उनसे कम नहीं होता। और अभी मुझे ये जो बेंच मिल गई है ना, मुझे लग रहा है नाग देवता की विशेष का असर शुरू हो गया है। शुरू हो तो गया, लेकिन रहना कितना है वो तो आप लोगों के प्यार से पता चलेगा। इसी को पार्क में हम आ चुके हैं और यहाँ पे मतलब स्विंग्स लगे हुए हैं, तो आपके बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी जगह है और मेरे जैसे बड़े बच्चे के लिए भी बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि मैं तो ऑलमोस्ट सारे स्विंग्स में बैठ ही चुका हूँ। अभी स्लाइड पे बैठा हूँ और इस स्लाइड पे स्लाइड होता हुआ नीचे भी आ जाऊँगा। गिरने वाला था, झूठ नहीं बोलूँगा। और यहाँ जैसे कि आप पीछे देख रहे हैं, झूले भी लगे हुए हैं और इन पेड़ों के बीच झूला झूलने का भाई मज़ा ही कुछ और है। मतलब मैं तो झूल चुका हूँ, अध्यश्री नहीं झूली, पता नहीं यार ये बड़ी बच्ची नहीं है शायद, बट मैं तो एक बड़ा बच्चा हूँ। और इन झूलों पे झूल के ना यार, मतलब हवा यहाँ की, एक तो हवा ही अलग है, मतलब इतना अच्छा स्वाद ही कहूँगा, मतलब स्वाद आ जाता है यहाँ पे सांस लेके। और पीछे छोटा भीम, डोनाल्ड डक, डोरेमोन जैसे अलग अलग ऐसे कैरेक्टर्स की मूर्ति टाइप भी बनी हुई है, तो आपके बच्चों को मज़ा आ जाएगा। ओ ये मूर्ति नहीं, एक्चुअली ये डस्टबिन है, तो अपने बच्चों को थोड़ा बहुत दूरी रखिएगा इससे कि कहीं ना कहीं वो कोई कूड़ा कचरा उठा ना ले अपने साथ। और चलिए मैं तो झूला झूलने वाला हूँ अब, और आप देखते रहिए फैक्ट एक्सप्लोर। ओहो, मतलब मजा आ जाता है यार झूला झूल के। और यहाँ आके कहीं ना कहीं आप खुद ही बच्चा बन जाओगे यार, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ही कुछ ऐसा है, पहाड़ों में सब बच्चे बन जाते हैं। ये हिमाचल है, हिमालय का आंचल, और हिमालय का आंचल कहीं ना कहीं आप अपनी माता जी से रिलेट कर लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि आप हिमालय के बच्चे ही बन चुके हैं। तो फैक्ट एक्सप्लोर में और भी जगह हम एक्सप्लोर करते रहेंगे हिमाचल की, आप आनंद लीजिएगा। जैसे अभी बात कर ही रहे थे कि हम यहाँ झूले और बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा जगह, काफ़ी अच्छी जगह हो सकती है, तो आइए जान लेते हैं अभी जो कुछ बच्चे हमें यहाँ दिखे हैं उनसे कि असल में उनके लिए कितनी स्पेशल है जगह। हाय बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? तो इतने डर के क्यों बोल रहे हो? नहीं। अच्छा एक चीज़ बताओ, अभी स्कूल यूनिफॉर्म में हो, तो स्कूल जा रहे हो, स्कूल से आ रहे हो? स्कूल में हमारा जीरो पीरियड हुआ करता था ना, तो उन्होंने अपना खुद ही बना लिया। अच्छा एक चीज बताओ, स्कूल में ज्यादा मजा आता है फिर इस पार्क में? स्कूल में आता है। स्कूल में क्या क्या पढ़ते हो? अच्छा गेम्स पीरियड होते हैं स्कूल, उनमें ज्यादा मजा आता है यहाँ ज्यादा मजा आता है? क्या क्या खेलते हो? सबसे फेवरेट गेम कौन सा है? वाह, हमारी छोरी छोरों से कम है कि। तो आइए दूसरे बच्चे से बात करते हैं। हेलो, बच्चा झूला नहीं छोड़ेगा। क्या नाम है आप? संतोष। वाह, स्कूल में क्या क्या सीखा?
कोई बात नहीं यार, मैं भी शुरू में कभी स्कूल नहीं जाती थी यार। बचपन होता है खेलने के लिए, पढ़ाई करो लेकिन अपने बच्चों को ना कभी खेलने से मत रोको, उसे पीटना नहीं अब जाके। कोई नहीं, पीछे मत गिर जाना। अच्छा इधर आओ, एक चीज आपको कहना। राम। राम, तो आप तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो आपका बेस्ट कोई गेम है जो आप तीनों एक साथ मिलके खेलना पसंद करते हो? वॉलीबॉल। यार मैं जब 12th में थी ना, मैंने वॉलीबॉल जब सीखा था। आपके स्कूल में सब सिखाया जाता है आपके स्कूल में? नाइस यार, काफी अच्छा लगा तुम लोगों से मिलके। और अभी तो हमें थोड़ी देर हो रही है, थोड़ा टाइम मिलेगा तो आपसे मिलने दोबारा आएंगे। बाय बाय। मुझे तो अपना बचपन याद आ गया कि मैं कभी बचपन में बहुत ज्यादा पढ़ने में मन होता था, लेकिन जब मुझे झूले मिलते थे ना तो मैं क्लासेस तो जाती थी लेकिन मम्मी से विश करती थी मम्मी आज की छुट्टी हो जाए काश। तो अभी आगे चलते हो क्योंकि और जगह भी एक्सप्लोर करनी है। आप बने रहिए हमारे साथ ऐसे और छोटे छोटे बच्चे और प्यारे प्यारे लोगों के साथ बात करने के लिए। स्टे खूबसूरत है ये रेस्ट हाउस वहाँ पर है जहाँ सबसे पहले सेब का पेड़ लगाया गया था। थाना धार में ये रेस्ट हाउस है और इस रेस्ट हाउस का नाम है सत्यानंद स्टॉक्स। इसके जस्ट सामने, इसके आसपास में यहाँ सेब का सबसे पहला पेड़ लगाया गया था। एक बार अच्छे से आपको इसको व्यू दिला देती हूँ। ये हमारी एंट्री है और ये हमारी गाड़ी है और ये यशव है। ये की व्यू आपको सुबह दिखाएंगे यार, सुबह काफी अच्छा लगता है। हाँ ऑसम ऑसम। चलो, और पता एक चीज़ और, इसके सामने का जो बालकनी से व्यू है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और हम लोगों को इतना कुछ आने से पहले इसलिए इतना पता है कि हमारे कुछ दोस्त यहाँ पहले भी आ चुके हैं, तो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने हमें फ़ोटोज़ दिखाई थी, तो हमने सोचा क्यों ना इसको और एक्सप्लोर किया जाए एप्स एक्सप्लोर के साथ। अभी आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमारे रूम में कहाँ सेंट्री होती है। इस फ्लोर पर किचन और डाइनिंग एरिया है, वहाँ के शायद कुछ शॉट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। हारना नहीं, डरना नहीं, यहाँ से भी एक बहुत खूबसूरत व्यू आता है जो अभी नहीं दिखेगा। और ये हमारा रूम, रूम नंबर 4। सो गाइस, ये हमारे रेस्ट हाउस की किचन है, दिखा दे एक बार मेरे को। ये हमारे रेस्ट हाउस में किचन वाले भैया और अभी खुद खाना बना रहे हैं। क्या जब मुझे जिज्ञासा हुई कि खाना हम खुद बनाए, बाहर से तो डेली खा लेते हैं, हम इस ब्लॉगिंग में भी डेली बाहर से खा रहे हैं, आपने देखा नहीं होगा या जो भी देखा होगा, लेकिन ये जब खुद के बनाने वाला खाने वाली चीज है ना, खाना बन चुका है। और आप
आपको भी खाने की शक्ल दिखा देती हूँ, इतनी अच्छी है। मतलब महक तो ऐसी थी कि बीच में मेरा मन कर गया था, बट सोचा कि थोड़ा कंट्रोल कर लेती। गुड मॉर्निंग। और अब हम करने वाले हैं अपने रेस्ट हाउस से चेकआउट। और जिस रेस्ट हाउस में हम रुके थे ना, उसका नाम है स्टोक्स मेमोरियल रेस्ट हाउस थानेदार। तो थानेदार वही जगह है जहाँ पे सैमुअल स्टोक्स, और जिनको हम सत्यानंद स्टोक्स के नाम से भी जानते हैं, वो पहली बार यहाँ आए थे और सेब लगाया था। यहाँ उनकी मूर्ति है सत्यानंद स्टोक्स जी की, जो 1882 से 1946 तक जिंदा थे, और 63 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई थी। और बेसिकली वो अमेरिका में पैदा हुए थे, सैमुअल स्टोक्स उनका नाम था, बट फिर वो इंडिया आ गए थे क्योंकि यार उन्हें पीस की तलाश थी, और पीस की तलाश में लोग इंडिया ही आते हैं। और उन्होंने बाद में हिंदुइज्म भी अडॉप्ट कर लिया था और अपना नाम सैमुअल स्टोक्स से सत्यानंद स्टोक्स कर लिया था। वैसे तो उनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अमीर थे, मतलब उनकी कंपनी थी एलिवेटर्स की, बट फिर भी वो इंडिया में आए क्योंकि उन्हें पीस की तलाश थी और बिजनेस में उन्हें ज़्यादा कुछ इंटरेस्ट नहीं था। और इन्हीं की वजह से जो है हिमाचल में सेब की फार्मिंग होती है, सेब के पेड़ लगते हैं। यही पहले ऑर्चिडिस्ट थे हिमाचल के, और इन्होंने ही सेब की पैदावार हिमाचल में की थी। बेसिकली थानेदार कोटगढ़ में इन्होंने सेब की पैदावार की थी। और सैमुअल स्टोक्स जी या सत्यानंद स्टोक्स जी ने यहीं की एक लोकल राजपूत लड़की से शादी भी की थी, और उनके कुल 7 बच्चे थे, 2 लड़कियां 3 लड़के। और उनकी बहू विद्या स्टोक्स जी, जो बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल लीडर भी रही है। और आप यहाँ से एक बार व्यू चेक कीजिए, मतलब क्या ही व्यू है। और सेब के आजकल पेड़ लगे हैं, सेब के पौधे लगे हैं, और ये सीजन टाइम है तो यहाँ आपको छोटे छोटे सेब भी दिख रहे होंगे। और एक बार इस रेस्ट हाउस का व्यू मैं दिखाया जाऊँगा, मतलब एकदम एंटीक सा रेस्ट हाउस है, और मतलब लकड़ी का काम हुआ है, और अंदर से भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बालकनी का व्यू हम अब आपको नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि हम चेकआउट कर चुके हैं, लेकिन बालकनी से ये व्यू है ना यार, इसका मज़ा दुगना हो जाता है। तो अभी जो है, अभी हम जा रहे हैं कुमारसन की तरफ, वहाँ पे कुछ महिला मंडल का प्रोग्राम है, वो भी हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हिमाचल में क्या क्या कार्यक्रम होते रहते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे कुमारसन में। कहा था कि हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई जो है नहीं हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पे बनेगी, हम रिज मैदान। तो सफर करते करते अब हम पहुंच चुके हैं कुमारसेन, जैसा कि मैंने सुबह बोला था आपसे मिलते हैं कुमारसेन में। तो अब हम पहुंच चुके हैं कुमारसेन, और ये जो बुशहरी टोपी जो मैंने पहनी है, वो हमारे स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी का जन्मदिन था आज, तो उनके सम्मान में मैंने पहनी है, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी यही टोपी पहनते थे मैक्सिमम। और ये टोपी कहीं ना कहीं हिमाचल में कांग्रेस को भी रिप्रेजेंट करती है, और जो लाल टोपी है वो बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है। यार वैसे तो टोपी है, बट पता नहीं पॉलिटिकली क्यों रिलेट कर दिया है लोगों ने। और यहाँ पे कुमारसेन में मैदान में बच्चे खेल रहे हैं, और यहाँ पे वीरभद्र सिंह जी का के सम्मान में एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा है। और कैंप में अभी हमने देखा, घूमे, और यहाँ से नज़ारे भी एक तो बहुत ही अच्छे, क्योंकि हिमाचल में यार आपको पता ही है नज़ारा बहुत अच्छा होता है। और अब हम यहाँ कुमारसेन में है, और यहाँ पे हम एक तो जंगल देख रहे हैं यार, वहाँ पार्क देखो यार, मतलब हिमाचल में आपको हर कहीं जंगल दिख जाते हैं, पेड़ पौधे दिख जाते हैं, हरियाली तो होती ही होती है हिमाचल में। और कुमारसेन के बाद अब हम सोच रहे हैं कि हम जाएंगे अब करसोग की तरफ, और करसोग वैली इतनी ब्यूटीफुल वैली है ना यार, आपको पूरा दिखाएंगे, आप टेंशन मत लो, दिक्कत मत लो, हम आपको पूरी वैली दिखाएंगे। और चलिए मिलते हैं अब आपसे सीधा करसोग में। हेलो गाइस, तो अभी ये जो आपने देखा कि यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं उनके जन्मदिन की, उसके उपलक्ष्य में बहुत बड़ा मेला आयोजन होने जा रहा है। तो पहले तो पहले अच्छी लग रही हूँ, तो अभी सोचा कि क्यों ना यहाँ के मार्केट में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया जाए। अच्छा
रिटायरमेंट के बाद? नहीं नहीं पहले पहले इतने लंबे सफ़र के बाद, जो हमें लंबा लगा नहीं क्योंकि सफ़र बहुत सुहाना था, और उसके बाद हम फाइनली करसोग पहुंच चुके हैं। और ये जगह बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि जहाँ एक तरफ बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उन पे बहुत बड़े बड़े पेड़ और खूबसूरत झाड़ियाँ हैं, वहीं बीच में छोटे छोटे से घर दिखाई दे रहे हैं, और बीच में जो खेतों के छोटे छोटे मैदान हमें दिख रहे हैं, वो दिखे छोटे छोटे रहे लेकिन असल में वो छोटे नहीं हैं। वो जो मैदान बीच में हमें दिख रहे हैं, उनकी बाउंड्रीज है, वो ना ऐसे लग रहे थे, डायग्राम नहीं बना देते थे, ग्राफ्स बनाते थे हम अपने छोटी छोटी क्लास में, बिल्कुल ऐसे लग रहा है। और उसके अलग अलग ग्रीन ब्राउन और ग्रीन कलर की बाउंड्री, ब्राउन कलर की ज़मीन पे जो है वो बहुत ही खूबसूरत व्यू दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो बस वो हमें कह रहा हो कि इक वारिया भिजाया रा इक वारिया। और इस करसोग वैली में, ये जो वैली हमें यहाँ दिख रही है, इस करसोग शहर में एक बहुत बड़ा मंदिर है, शिव जी का मंदिर, और उसमें एक बहुत बड़ा कनक का दाना है। असल में आने का हमारा असली मोटिव वही है कि जाके उस दाने को देखा जाए और एक्सप्लोर किया जाए कि अलग ऐसा क्या है उस इतने बड़े दाने में, उस मंदिर में। तो एक बारी चल ही लेते हैं। तो गाइज, अभी इतना सारा घूमने के बाद जो आपको दिखाया हमने कि ये इतना खूबसूरत रास्ता था यहाँ का, उसके बाद हम चलते फिरते वहाँ आ गए जिस मंजिल की हमें कब से तलाश थी, और कहते हैं अगर मंजिल खूबसूरत हो ना तो रास्ता लंबा नहीं लगता। तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ और हम आ पहुँचे ममलेश्वर मंदिर महादेव करसोग। और इस जगह के बारे में जितना सुना था वो असल में गलत नहीं था, क्योंकि जिस तरह से ये बनी हुई है, यहाँ की ये लकड़ी का काम है और इसमें खूबसूरत डिज़ाइंस हैं, ये किसी कलाकारी से कम नहीं है। और इसके सामने जो ये एक पेड़ है, इस पर क्या फ्रूट्स ही लगे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये सच में काफ़ी खूबसूरत व्यू देता है। जब पीछे से इसमें सूरज की रोशनी आती है, उसमें छोटे छोटे येलो कलर के लीली फ्लावर्स हैं, बहुत खूबसूरत। और एंट्री में यहाँ पे ये डिज़ाइन, और असल में मंदिर
कैसा है वो आपको हम दिखाएंगे, लेकिन अभी बता देते कि आपकी खास बात है, हाँ एक बहुत बड़ा कनक का दाना है, आइए देखते हैं। और ये कनक का दाना दूर दूर तक प्रसिद्ध है, बाकी असल में मंदिर अंदर से कैसा है ये आपको कहेंगे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि असल में कहते हैं ना कि कुछ कही बातों पर यकीन नहीं होता, लेकिन आंखों देखी पर यकीन होना चाहिए, कानों सुनी पर हो ना हो लेकिन आंखों देखी पर, तो आइए वो आंखों देखी सच्ची कर देते हैं। जब हम उस मंदिर में गए, इतना विशाल मंदिर आपको दिखाया और वहाँ पे एक कनक का दाना दिखता है, वहाँ पे हमें उस कनक के दाने में, उस कनक के दाने के बारे में एक कहानी पता चली जो हमें एक यहाँ के ही एक वासी ने बताया और बोला कि उस कनक के दाने की कहानी असल में ये है कि पांडवों के टाइम में इतनी अच्छी यहाँ पर खेती होती थी कि आस पास के ये जितने भी खेत हैं, ये पीछे भी देख सकते हैं आप, ये जितने भी खेत हैं यहाँ पे इतने बड़े बड़े कनक के दाने हुआ करते थे और ये उसी की निशानी के तौर पे, एक पॉजिटिविटी की निशानी के तौर पे उस मंदिर में रखा हुआ है। लेकिन हमें एक बात और पता चली कि ऊपर जो मंदिर है उसके कच्चे रास्ते से उतर के आते हैं, यहाँ पर एक अन्नपूर्णा माता का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही विशाल मंदिर है, और अगर आप उस मंदिर में आते हैं शिव जी के उस मंदिर में, तो इस मंदिर में अवश्य आए, वहाँ के दर्शन और करें, ताकि आपकी आपकी यात्रा और आपका दर्शन, आपके दर्शन सफल हो जाए। अभी नीचे चल के देखते हैं कि असल में ये मंदिर कितना विशाल है और कितना खूबसूरत। मंदिर के तो सामने आके हम खड़े हो गए, आप देख सकते हैं मंदिर के सबसे आगे शेर का मुकुट बना हुआ, उसके नीचे माता की मंदिर और उसके नीचे माता की मूर्ति और उसके थोड़ा सा नीचे ये जो डिजाइनिंग बनी हुई है बड़ी ही खूबसूरत है, और इस तरफ यहाँ पर कुछ शिवलिंग बने हुए हैं और उस शिवलिंग के पीछे कुछ मूर्त हैं जो लकड़िया की है और उस पर कुछ डिजाइनिंग भी बनी हुई है और कुछ धागे भी बंधे हुए हैं, तो ऐसा माना जा सकता है कि इस पेड़, इस मूर्ति सबको देख के कि ये मंदिर कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है। आइए जब इस मंदिर में हम एंटर होते हैं तो बाहर ही कुछ डिजाइन बने हुए हैं जो बड़े खूबसूरत है, इसकी डिजाइनिंग, इसकी कलर्स बहुत ही सुंदर है, और उस मंदिर के चारों ओर शेर के मुखौटे बने हुए हैं। आइए इसे थोड़ा और पास से देख लेते हैं, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बता तो दिया, तो देख और लेते हैं। इस मंदिर में एंटर होते ही सामने एक बड़ी खूबसूरत डिजाइन है, इसमें माता के मुंह, इसमें माता और भी बहुत सारी चीजें बनी हुई है, और बिल्कुल सामने एक डिजाइनिंग के ऊपर इसमें कुछ गेहूं के दाने हैं, इसके बारे में मैं जितना भी आपको पता चलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, पर जब तक एक परिक्रमा इस मंदिर के चारों ओर कर लेता और असल में देखते कि और क्या कुछ इस पे है। यहाँ पे कुछ विष्णु जी की फोटो और ब्रह्मा जी की फोटो बनी हुई है, और ये बड़ी ही सुंदर लग रही है, सुंदर भी लग रही है, और यहाँ से ना एक बड़ी पॉजिटिव सी एनर्जी मुझे आ रही है, और यहाँ से चारों ओर का व्यू भी बड़ा ही डिफरेंट है, मतलब कि पॉजिटिव व्यू और पॉजिटिव वाइब्स बहुत मिली जुली यहाँ पे, और अलग अलग भगवान जी की यहाँ पर डिजाइनिंग इसमें बनी हुई जो है, ऐसा लगता है कि ये सब ना एक कोई कहानी बता रहे हो और इसके बारे में कुछ पढ़ना ना पड़े, ये जो वॉल्स पर डिजाइनिंग है ये सब कोई कहानी में पता चल जाए। ये देखिए यहाँ पे माता की मूर्ति है, पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि किसी सीन को, जैसे जो कुछ हुआ हो उसको इस फोटो के थ्रू हम समझ सके, तो ऐसा ही कुछ इस मंदिर के बारे में है, और जितना हमें पता चलता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे, और जब तक और जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चेची हूँ।
गाइस अभी हम लोग थक चुके थे इतना सारा घूमने के बाद, अपने रेस्ट हाउस में आ गए हैं जहाँ पीछे पूरे करसोग का व्यू है। इतना सुंदर, ऊंचे नीचे पेड़ और लैंडस्केप्स वाली सीन भी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे ना पीछे हमने सोचा कि हम ना फोटो खींच लेते जाके, जैसे मैं हुई फोटो की शौकीन तो मैंने ये सब को बोला कि फोटो खींच दे मेरे, और वहाँ पे मुझे ये पड़ा मिला। मैंने कहा वाओ, ऋषभ ने बोला नॉर्मली तो है, बट फिर एक चीज पता आपको क्या है कि यहाँ तो पहाड़ों में नॉर्मली मिल जाता है पेड़ से टूट के और लोग इसको जलाते हैं, बट यूपी की साइड और जगह जहाँ प्लेन है, हिल स्टेशन नहीं है, वहाँ पे एज अ शोपीस बिकता है और दुकानों में बिकता है 100 रुपए का, 60 रुपए का, 150 रुपए का। तो अगर आप पहाड़ों में आए तो उसको उठा के ले जा सकते हैं, मेरे तो घर वाले कुछ हो जाएंगे।